हेलो। यस यस सर, सर, यस सर। भैया जो कोलोइड सॉल्यूशन होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन होता है, वो कैसा होता है? हेटेरोजीनियस कैसा होता है? हेटेरोजीनियस हेटेरोजीनियस। है। और पार्टिकल साइज क्या होती है? पार्टिकल साइज कितनी होती है? पार्टिकल साइज उसमें होती है भैया 1 नैनोमीटर, 1 एन नैनोमीटर से ज्यादा। यस नैनोमीटर के बीच में सॉल्यूशन में पार्टिकल की साइज कितनी थी? लेस लेस देन वन देन वन नैनोमीटर। नैनोमीटर देन। और इसमें कोलोइडल में क्या होती है पार्टिकल साइज? 1 नैनोमीटर, नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर। होती है। आई बात समझ में? सर ये यस लिख लिया यस हम सर। यहाँ से, एक आप अलग से स्क्रीन शेयर करोगे? नहीं लिखना, मैं नोट्स भेजूंगा। ठीक है, नोट्स दूंगा, डोंट वरी। ठीक है ना, ओके सर। समझ में इतना? यस सर यस आया। यस सर। अब भैया ये जो कोलोइड होता है, कोलोइडल होता है या कोलोइड होता है, इसमें भी दो पार्ट होते हैं, यानी कि दो इसके क्या जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। एक तो होता है हमारा डिस्पर्स फेज और एक होता है डिस्पर्शन मीडियम। कौन कौन से होते हैं? डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम मीडियम। मीडियम जैसे कि मेरे पास में ये वाटर है, इस वाटर में मैंने क्या डाल दिया? स्टार्च डाल दिया। क्या डाल दिया? स्टार्च। स्टार्च का मतलब एक तरह से स्टार्च। कॉर्न फ्लोर। कॉर्न फ्लोर तो पता है ना? यस सर, यस सर। कहा इसको गाढ़ा करने के लिए काम में देते हैं, मंचूरियन वगैरह में भी डालते हैं। कॉर्न फ्लोर पता है ना? यस सर पता। यस यस सर। सर स्टार्च डाल दिया। तो ये क्या बनेगा? अब कोलोइड बनाएगा। क्या बना? कोलोइड बना। बोलो क्योंकि पार्टिकल साइज इसकी 1000 नैनोमीटर के बीच में। अब इसमें जो डिस्पर्स मीडियम है वो क्या होगा? वाटर होगा। क्या होगा? वाटर। बोलो वाटर के अंदर इधर उधर घूम रहा है, इधर उधर भटक रहा है, वो होगा डिस्पर्स फेज। समझ में आया? यस सर। यस सर। यानी कि अगर सॉल्यूशन, डिस्पर्स फेज और वाटर डिस्पर्स मीडियम। हाँ सॉल्यूशन से कंपेयर करें तो ये कैसा हो गया? सॉल्वेंट जैसा। और ये कैसा हो गया? सॉल्यूट जैसा। जैसा। समझ में आया? डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम, डिस्पर्शन मीडियम। यस सर। और हमेशा कैसा होगा ये? हेटेरोजीनियस। 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 इसमें डाउट हो तो पूछो भैया, छोटा मोटा कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। सर नो डाउट सर, नो नहीं है डाउट। सर। हाँ ये कोलाइड के डिस्पर्स दो फेज, सर, डिस्पर्स फेज है या डिस्पर्शन फेज है? सर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम। ओके okay? उसके जो यस दो टाइप्स है ना कोलाइड के, वो मुझे समझ नहीं आ रहा। कोलाइड्स के दो टाइप नहीं, दो कॉन्स्टिट्यूएंट है। जैसे सॉल्यूशन किस किस से मिलके बना था? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से। सॉल्यूट और सॉल्वेंट। उसी तरह से कोलोइड भी दो चीजों से मिलके बना है। किस किस से? सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिस्पर्शन मतलब डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स फेज का मतलब क्या होगा? जो सॉल्यूट जैसा है कम क्वांटिटी में है, और डिस्पर्शन मीडियम मतलब सॉल्वेंट जैसा। समझ में आया? यस सर। यस यस यस। सर। अब इस पर से पूछे आपको, कॉन्टिन्यूअस फेज कौन सा होगा? कॉन्टिन्यूअस कौन होगा नेचर का? डिस्पर्स फेज होगा, डिस्पर्शन मीडियम होगा, कंटिन्यूअस? डिस्पर्शन डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्शन मीडियम। पानी तो इस मीडियम होगा, मीडियम। पानी तो हर जगह। डिस्पर्शन स्टार्च जरूरी नहीं हर जगह। स्टार्च पार्टिकल यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। आया? समझ में आया कि यहाँ पे हो ऐसा जरूरी नहीं, यहाँ पे हो ऐसा जरूरी नहीं। ये डिस्पर्स फेज होती है नॉन कंटिन्यूअस, और डिस्पर्शन मीडियम क्या होता है? कंटिन्यूअस इन नेचर। बात समझ में आई मेरी? यस सर। अगला टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूँ, सीट बेल्ट बांध के बैठ जाना, स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एमसीक्यू में 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन में बहुत बहुत पूछा जाता है। दैट इज टाइप ऑफ कोलोइडल सिस्टम।
ठीक है, तो हमारे पास में डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम किसके बेस पे है? डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम के बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोलोइड्स होते हैं, उनकी फिजिकल स्टेट के बेसिस पे। किस पे बेसिस पे? फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट बेसिस पे बहुत सारे टाइप के कोलोइड्स होते हैं। हर एक कोलोइड्स का हम क्या देते हैं, पर्टिकुलर नेम देते हैं, और बाद में हम उसके देखेंगे एग्जाम्पल। क्या देखेंगे? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ठीक है। अब डिस्पर्स फेज की स्टेट क्या हो सकती है? डिस्पर्स फेज की स्टेट सॉलिड हो सकती है? नो। यस। हां हां ये सॉलिड हो सकता है, पत्थर गैस भी हो सकता है। ये क्या होंगे? सॉलिड और लिक्विड। ठीक है, जैसे डिस्पर्शन फेज लिक्विड हो सकता है। हां सर हो सकता है, लिक्विड इससे सॉलिड लिक्विड गैस कर देता है। समझ में आ रहा है? यस सर। यस यस डिस्पर्शन फेज गैस हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, लिक्विड 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 फिर से सॉलिड लिक्विड गैस, और अब की बात क्या आ जाएगा? गैस। गैस आ जाएगा यहाँ पे। गैस आएगा। गैस गैस एंड गैस। ठीक है। यस। और एक बात, कोलोइडल हमेशा नेचर का कैसा होता भैया? गैस और गैस कभी भी हेटेरोजीनियस मिक्सचर होगी क्या? यस। नो सर। नो सर। हो सकता है हेटेरोजीनियस हो सकता है, पर सर अगर हेटेरोजीनियस होना होता तो उसमें कलर भी होना चाहिए ना, जिससे अलग अलग दिख पाए। कलर हो नहीं हो, लेकिन पार्टिकल्स तो दूसरे विजिबल होने चाहिए ना, जैसे एयर। इसमें से कोई भी दो गैस एन टू प्लस ओ टू मिला दू तो भी होमोजीनियस ही रहेगा? सीओ टू प्लस ओ टू मिला दू होमोजीनियस ही रहेगा? एन टू प्लस सीओ टू मिला दू होमोजीनियस ही रहेगा ना मिक्सर तो हमेशा? टोटल कितने टाइप के कोलोइड्स है हमारे पास में? एट टाइप के कोलोइड्स। ठीक है, तो सबसे पहले भैया डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स फेज का मतलब जो लेस क्वांटिटी में है, और डिस्पर्शन मीडियम क्या है जो मोर क्वांटिटी में है। यस और नो? यस यस। भैया डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्स मीडियम और डिस्पर्स फेज दोनों सॉलिड है, तो ऐसे कोलोइडल सॉल्यूशन को नेम दिया जाता है सॉलिड सॉल। क्या नेम दिया जाता है उसको? सॉलिड सॉल। सॉलिड सॉल ऐसा कोलोइडल सॉल्यूशन जिसपे डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम, डिस्पर्शन मीडियम दोनों क्या हो? सॉलिड बोला जाता है सॉलिड सॉल। इसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल भैया जेम्स स्टोन देखा सबने? यस। ग्रीन कलर का, उसमें बीच बीच में कहीं पे क्या होगी? बीच बीच में क्या होगी? कहीं पे येलो कलर की लाइन आ जाएगी, कहीं पे ऑरेंज आ जाएगी, होता नहीं होता ऐसा? इस तरह से पूरा स्टोन तो एक कलर का, बीच बीच में थोड़ा मोटा कहीं कहीं पार्ट अलग अलग कलर का दिखता होता है, होता नहीं होता है? हाँ सर। Yes, natural होता है। Solid, yes or no? Yes, sir. Solid है और डिस्पर्स भी क्या है? Solid. Solid है। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Second, second example बताइए भैया, solid and liquid. Solid ज़्यादा quantity में होना चाहिए, कम quantity में होना चाहिए इसमें? दूसरा मैंने अभी बताया था पानी में स्टार्च घोल के सूप बनाने के लिए। सर पेंट कैसे उसका एग्जांपल हो सकता है? इसका पेंट एकदम फिक्स होता है बेटा, होता नहीं होता है? उसके अंदर थोड़ा थोड़ा सॉलिड डिजॉल्व होता है,
छोटे छोटे पार्टिकल्स होते नहीं होते सॉलिड के पेंट में? यस ठीक है सर, फिर मड वाटर भी आएगा वाटर में, तो पार्टिकल साइज विजिबल होती है 1 नैनोमीटर से ज्यादा, ठीक है? यस सर। इतना होमोजेनियस जैसा चाहिए वो, लेकिन होना हेटेरोजेनियस चाहिए। मड वाटर को देखने में कैसा लगता है? ब्राउन मड कलर का, गैस ज्यादा, सॉलिड कम और गैस ज्यादा, इसको बोला जाता है एरोसोल। क्या बोला जाता है इसको? एरोसोल। एग्जांपल बताओ इसका, सोचो। बहुत इजी एग्जांपल है इसका तो। अच्छा मूवी देखते हो? यस सर। यस सर। मूवी देखते हो सर? हां सर। शुरू से लास्ट तक पूरी, मतलब मल्टीप्लेक्स में जाते हैं तो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा? यस यस। हेड्स आते हैं, फिर राष्ट्रीय गान आता है, नेशनल एंथम आता है, फिर मूवी आती है, वहां तक देखते हो पूरा शुरू से? यस सोचो सोचो। गैस चाहिए और सॉलिड कम होना चाहिए और दिखना होमोजेनियस जैसा चाहिए सर। हाँ सर, स्मोक आ सकता है क्योंकि वो होमोजेनियस दिखता है उसमें दोनों में। एग्जांपल स्मोक, धुआं, सर। हाँ ड्राई आइस आ सकता है? ड्राई आइस तो भैया मेरे भाई ये सब मिक्सचर्स है या नहीं है? यस और नो? ये सब मिक्सचर? यस सर। कौन सी कैटेगरी में आएगा? किसी में नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट बताइए, लिक्विड सर। सर सॉलिड एरोसॉल का एक और एग्जांपल कलर्स हो सकता है जो हम होली में उछलते, तब होली में उछलते हैं, दस्त में आ जाएगा, दस्त लिख दो। ठीक है अब भैया लिक्विड कम और सॉलिड ज्यादा, लिक्विड कम और सॉलिड ज्यादा बोला जाता है जेल। क्या बोला जाता है? जेल। बताइए बताइए, सोच के थोड़ा सा। कर्ड नो फिर बटर भी सर। कर्ड सेमी सॉलिड होता है, मतलब सॉलिड ज्यादा होता है उसमें लिक्विड होता है। कर्ड जेली खाई होगी तो सर? जेली बेली? हाँ जेली। जेली यस सर खाई है। यस बस, तो जेली किसका एग्जांपल होगा? जेल का। सॉलिड 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 ज्यादा और लिक्विड कम, या सॉलिड लिक्विड कम। उसके बाद में सर बटर भी आ सकता है। बटर ठीक है? यस यस सर। यस सर। लिक्विड लिक्विड को बोला जाता है इमल्जन। क्या बोला जाता है? अब बताइए गैस ज्यादा। सर मॉइस्चर गैस एग्जांपल और लिक्विड कम, गैस ज्यादा और लिक्विड कम, इसको भी बोला जाता है एरोसोल। क्या बोला जाता है इसको? एरोसोल। सर परफ्यूम आ सकता है? सर मॉइस्चर। मॉइस्चर वाटर वेपर सर। परफ्यूम भी आ सकता है। होमोजेनियस होती है वो क्लाउड। क्लाउड में वाटर। कौन सा परफ्यूम वाला? नहीं फॉग। सर नो सर। फॉग
जो सर ठंडी में होता है. क्लाउड. क्लाउड दिखता कैसा है? Yes. और साथ में वाटर ड्रॉपलेट्स होती है लिक्विड. Yes, sir. Solid gas. Solid ज्यादा हो और गैस कम हो. Sir, sponge. Solid soul. Sir, इसमें sponge आ सकता है. क्या होता है sponge? इस तरह से होता है, बीच में छोटे छोटे droplets होते हैं, उसमें क्या होता है? Air होती है. Yes. सर वैसे तो मतलब एयरटाइट कंटेनर भी हुआ ना. एयरटाइट कंटेनर क्यों? सर मतलब उसमें भी हवा रह जाती है ना. हाँ सर. होगा हेट्रोजीनियस होगा बेटा, उसके अंदर जो एयर है वो. होमोजीनियस होगा एक्चुअल, उसके अंदर एयर है वो तो होमोजीनियस इससे भी हुई ना. हाँ सर. सर वो शेविंग क्रीम करते हैं वो फोम, उसे भी फोम ही बोलते हैं. हो सकता है शेविंग क्रीम वो तो ठीक है, लेकिन क्यों हो सकता है उसका रीजन? सर उसे भी हम ऐसे ही बोलते हैं ना, वो फोम फोम फोम. तो उसका रीजन बताओ उसमें साथ में. गूगल पे फोम ही उसको ही बोलता है. क्यों बोलता है? अच्छा नहाते सभी लोग या नहीं नहाते? यस सर. ऐसा yes, है yes, sir. Yes, sir, उसमें सूट का फोम भी हो सकता है. सॉफ्ट लेदर. सॉफ्ट लेदर तो ऐसे बच्चे देखे ना, ऐसे वो आते हैं बालों वो सॉफ्ट. है ना? तो ये क्या है? yes, ये लिक्विड नहीं है. आते हैं? हाँ सर. yes, sir. ऐसे बनी हुई है. सर तो वो व्हिप्ड क्रीम आ सकते हैं. जो की मतलब ऐसी कॉइल जैसी दिखती है. शेविंग क्रीम जैसी. सर वो कभी कभी मतलब केक में डेकोरेशन के लिए उसको बोलते हैं. Yes. अब मुझे बताइए, जलेबी तो सबने खाई होगी? Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. जलेबी किसमें आएगा? सर जेल. सर सॉलिड लिक्विड. सॉलिड लिक्विड. सॉलिड. जेल शायद. सर सोल. सर सोप. सोप बबल्स. सर सोल में आएगा. सर सोल. सर सोप. सोल में आएगा. सोल में आएगा. सोल. सोल सब्जी मंडी सब्जी पूरी या जलेबी किस स्टेट में हो जाती है वो इस तरह से बन के सॉलिड. यस यस. सर हम लेते हैं चाशनी में डाल देते हैं. अच्छा गुलाब जामुन किसमें आएगा? जेल. जेल जेल ज्यादा. ठीक है. अच्छा और ये बताओ फिर मेरे को
ब्रेड सर सॉलिड सॉल ब्रेड में एरो एरो होती है भाई ब्रेड कैसे होती है इस तरह से होती है ब्रेड उसमें छोटे 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 क्या होते हैं पोर्स होते हैं उनमें पोर्स होते हैं एयर पोर्स हाँ सो कैसे ज्यादा हो गया सॉलिड सॉल सॉलिड सॉल आया ये Yes, yes, sir. Yes, sir. आपको ये नेम के साथ में आपको उनका dispersion medium साथ में एक example याद होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा और NTSC एग्जाम का नेम सुना है yes, sir, सुना है तो उस NTSC एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन तो ऐसा बहुत पूछा जाता है क्या पूछा जाता है What is the dispersed phase in jelly? ठीक है लिक्विड Dispersed phase is solid or dispersion medium is gas. Liquid. Yes. Aerosol. Dispersion phase is also a gas. Not possible. Not colored. It's not a homogeneous mixture. It's homogeneous. It is not a mark. सर आई हैव अ डाउट हाँ सर सर आपने इसमें सॉलिड में भी सॉलिड सोल लिखा है और गैस और सॉलिड में भी सॉलिड सोल लिखा है सर तो कंफ्यूजन नहीं होगा ठीक है दोनों को सॉलिड सोल ही बोला ठीक है ओके सर ओके अगर 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 मेरा डिस्पर्शन मीडियम DM PM, dispersion medium क्या हो गैस हो क्या हो गैस ऐसे को बोला जाता है एरोसोल क्या बोला जाता है उसको एरोसोल यहाँ देखो सर यस दोनों में एरोसोल दोनों एरोसोल सर हाँ सर मुझे भी एक डाउट है कि ये थर्ड वाला नहीं समझ में एरोसोल सॉलिड और गैस वो वाला नहीं समझ में आ रहा है ज्यादा क्वांटिटी में हो और सॉलिड कम क्वांटिटी में हो तो उसको बोला जाता है एरोसोल ओके ठीक है ओके सर और अगर इसी तरह से डिस्पर्शन मीडियम क्या हो वाटर हो क्या हो वाटर यानी कि हो तो लिक्विड लिक्विड में भी क्या हो वाटर अच्छा ठीक है जैसे कि ये हो गया ये हो गया ये हो गया तो उसको बोला जाता है एक्वासोल क्या बोला जाता है उसको एक्वासोल या फिर हाइड्रोसोल क्या बोला जाता है एक्वासोल हाइड्रोसोल आ जाए जैन वर्ड वाटर वाटर का मीनिंग ही एक्वा होता नहीं होता एक्वा या हाइड्रोसोल हाइड्रो वाटर पावर प्लांट एक्वेरियम एक्वेटिक लाइफ तो उसको बोला जाता है एक्वासोल और हाइड्रोसोल बोला जाता है समझ में आया यस सर कोई डाउट है इसमें नो सर नो डाउट नो सर ऑल क्लियर नो डाउट आओ चलो बताइए कोई डाउट नहीं तो हार्दिक बता ही सकते हो तो भैया 2 मिनट का टाइम दिया जा रहा है देख लो एक बार स्क्रीन को फिर मैं 2-4 क्वेश्चन पूछता हूँ इसी से भी लेते हैं ठीक है साहब ठीक है मित्रों यस सर
समझ में आया ये? अच्छे से पूछिए भैया. बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है. स्कूल एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है. सर एक डाउट है. पूछो. सर डिस्पर्स स्पेस और डिस्पर्शन डिस्पर्शन मीडियम दोनों में अगर लिक्विड होगा तो सर उसमें मिल्क कैसे आएगा? मिल्क में जो फ्लेक्स होती है वो कौन सी स्टेट में होती है बेटा? हाँ सर लिक्विड में होती है. और मेन चीज भी उसमें लिक्विड ही होती है ना? यस सर. लिक्विड और लिक्विड हुआ नहीं हुआ? हाँ सर. सर मुझे आपने स्मोक एरोसोल में क्यों लिया ना वो समझ में नहीं आया. क्या समझ? उसमें सिर्फ गैस नहीं होता प्रेजेंट? किसमें? एरोसोल वाले में जिसमें सॉलिड कम हो. तो स्मोक के अंदर क्या होता है? गैस और साथ में जो स्मोक के पार्टिकल्स होते नहीं होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, है ना? यस सर. सर हाँ सर स्मॉग किसमें आया? कौन सा? सर स्मोक और फॉग मिल जाता है तो स्मॉग मिलता होता है ना? स्मॉग फॉग मिल जाता है तो देखो स्मॉग किसमें आया. गुड क्वेश्चन. अब इसमें देखो भैया ज्यादा क्वांटिटी में कौन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना. तो एक तो सॉलिड होगा और एक गैस होगा. अब इसमें से ज्यादा कौन है? सर गैस ही है. गैस गैस ज्यादा होती है. गैस किसमें आ गया? यस सर. एरोसोल एरोसोल में आएगा. क्यों आया भैया? गैस ज्यादा क्वांटिटी में है ना. हाँ 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 गैस ज्यादा क्वांटिटी में एरोसोल में आ गया. ठीक है. यस सर वही. चलिए तो समझ में आया ये आज का टॉपिक. यस सर. तो भैया अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में सम न्यू टॉपिक मतलब कॉलर्स को आगे करेंगे. ठीक है ना? ओके सर. ओके चलिए गुड बाय. बाय सर.